प्रदेश के सीतापुर में नगर के बस स्टॉप से लेकर झूले लाल पार्क तक बरसों से नाले पर कब्जा किए गए अतिक्रमण के विरुद्ध मंगलवार को नगर पालिका परिषद सीतापुर ने अभियान चलाया। नाला सफाई अभियान के तहत नगर पालिका ईओ वैभव त्रिपाठी और नगर पालिका परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि मुनेंद्र अवस्थी के नेतृत्व में बुलडोजर के माध्यम से नाले पर किए गए अवैध अतिक्रमण को तोड़कर हटाया गया है। पालिका द्वारा पहले ही प्रचार वाहन के द्वारा नगरवासियों को ससमय स्वयं ही अपने द्वारा नालों पर किए गए अतिक्रमण को हटाए जाने की चेतावनी दी गई थी, जिसके बाद आज नगर पालिका कर्मियों ने आलीशान होटल और कॉम्प्लेक्सों के द्वारा नालों पर किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही बुलडोजर से तोड़कर की है। आइए आपको भी सुनवाते हैं कि नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी वैभव त्रिपाठी ने क्या जानकारी दी है। जी, जैसा कि आप सभी विदित हैं कि यहाँ रोडवेज बस स्टॉप के आसपास में और इस क्षेत्र में थोड़ी विजयलक्ष्मी नगर में मेन रोड पर जलभराव की कृपया समस्याएं होती थी। जब भी बारिश होती थी तो साइड लाइन पॉकेट्स में पानी जमा हो जाता था। उसका मुख्य कारण यह था कि यहाँ जो सबसे बड़ा लंबा नाला गया हुआ है, जो कि आपका रोडवेज बस स्टॉप से लेकर रानीपति मंदिर मार्ग तक का है, इसमें जो है लोगों ने नाले पर जो है स्लैब डाल लिए थे और उस स्लैब परमानेंट कनेक्टर के स्लैब डाल लिए थे, जिससे नाला सफाई में बहुत बाधा उत्पन्न हो रही थी। तो आज से 5 दिन पहले लाउडस्पीकर के माध्यम से इस पूरे क्षेत्र को यह सूचित कराया गया कि कहीं भी किसी भी प्रकार का यदि आप लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है तो इसको स्वतः हटा लें। लेकिन उसके बावजूद भी स्वतः लोगों ने नहीं हटाया। उस क्रम में नाला सफाई को सुनिश्चित कराने के लिए रानी सती मंदिर मार्ग तक जो है बस स्टॉप से लेकर के यहाँ पर नाला सफाई के लिए अपनी टीमों और पूरी टीम और प्रशासन जिला प्रशासन के सहयोग से नाला सफाई का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जो भी संभावित अतिक्रमण मात्र नाले की सफाई के लिए जो सामने आ रहे हैं उनको हटाया जा रहा है। जब तक चले जाएगा जी, जब तक के कार्य पूरा समाप्त नहीं हो जाता तब तक इसको चलाया जाएगा। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, सदागति टाइम्स।